चलिए खबरों के सफर को आगे बढ़ाते हैं और कुछ खबरों पर विस्तार से नजर डालते हुए आपको बता दें कि दिसंबर के महीने में खुदरा महंगाई दर में जबरदस्त उछाल आया है। पिछले 5 साल का रिकॉर्ड तोड़ते हुए महंगाई दर 7.35% के स्तर पर जा पहुंची है। सिर्फ एक महीने में इसमें 1.81% की तेजी आई है। महंगाई दर ने पिछले 5 साल के दरमियान पहली बार भारतीय रिजर्व बैंक की तय अपर लिमिट यानी 6% के स्तर को पार किया है। आसमान पर पहुंची महंगाई दर, महंगाई दर ने तोड़ा 5 साल का रिकॉर्ड। आरबीआई की अपर लिमिट से ज्यादा हुई महंगाई। प्याज और दूसरी सब्जियों के साथ ही पेट्रोल और डीजल की कीमत में आई उछाल की वजह से महंगाई दर ने दिसंबर में पिछले 5 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया। स्थिति तो यह है कि खुदरा महंगाई दर ने भारतीय रिजर्व बैंक की ओर से तय अपर लिमिट 6% को भी पार कर लिया है। दिसंबर 2019 के महीने में खुदरा महंगाई दर 7.35% के स्तर पर रही। इसके पहले नवंबर में महंगाई दर 5.54% के स्तर पर थी। इसके पहले के साल में दिसंबर के दौरान महंगाई दर 2.11% के स्तर पर थी। दिसंबर के दौरान महंगाई की सबसे ज्यादा मार खाद्य पदार्थों पर पड़ी और फूड इन्फ्लेशन 14.12% के स्तर पर पहुंच गया। इसी तरह दलहन की कीमत में भी 15.44% की उछाल रही। वहीं अंडा 9% और मीट 10% महंगा हो गया। सबसे ज्यादा चोट जो है वो गरीब व्यक्ति को लगेगी और कब तक सरकार जो है वो खैर मनाएगी अपनी, अब ये बात यहाँ तक पहुँच चुकी है। माना जा रहा है कि महंगाई बढ़ने का ये दौर आगे भी जारी रह सकता है। ईरान और अमेरिका के बीच के तनाव और वैश्विक मंदी की वजह से देश की अर्थव्यवस्था पर पड़ने वाला दबाव महंगाई दर पर भी असर डाल सकता है। महंगाई दर के आंकड़े साफ तौर पर बताते हैं कि महंगाई काफी ज्यादा बढ़ चुकी है। जिस तरह से डीजल की कीमतें बढ़ी हैं, उसका असर सीधे तौर पर महंगाई पर देखा जा सकता है। जाहिर तौर पर विशेषज्ञ मानना है कि आने वाले समय में महंगाई दर में और इजाफा हो सकता है, यानी आपकी मुश्किलें अभी और भी बढ़ सकती हैं। सिद्धार्थ गुप्ता के साथ सैयद आमिर हुसैन, न्यूज़ नेशन, दिल्ली।